उत्तराखंड के लिए एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, जहां कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों से भरा एक ट्रक गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें सवार तीन जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन जवान हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये दुर्घटना सिक्किम के न्यू जवाहरलाल नेहरू रोड की बताई जा रही है। साथ ही ये मार्ग गंगटोक को सोमगो झील और भारत चीन सीमा के पास नाथुला से जोड़ता है। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तराखंड वासियों के लिए सिक्किम से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां नाथुला गंगटोक रोड पर एक सड़क हादसे में कुमाऊं रेजिमेंट के तीन जवानों की मौत हो गई। दरअसल सेना के जवानों को ले जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर 600 फीट गहरी खाई में जा गिरा। जानकारी के मुताबिक दर्दनाक हादसा भारत चीन बॉर्डर के पास गंगटोक के सोमगो लेक और नाथुला को जोड़ने वाली न्यू जवाहरलाल नेहरू रोड पर हुआ है। इस दौरान हादसे के समय ट्रक में सेना के 6 जवान मौजूद थे, जिसमें से तीन जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन जवान हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि ट्रक में सवार जवान कुमाऊं रेजिमेंट गंगटोक की ओर जा रहे थे, तभी अचानक वाहन चालक के ट्रक पर से नियंत्रण खो जाने से ट्रक अनियंत्रित होकर 600 फीट गहरी खाई में जा गिरा, जिससे चालक और दो अन्य जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सेना बीआरओ पुलिस और स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान चलाया और तीन जवानों को गंगटोक स्थित एक सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं प्राथमिक इलाज के बाद घायल जवानों को पश्चिम बंगाल के सिलगुड़ी में रेफर कर दिया गया। हालांकि ये हादसा कैसे हुआ, अभी इसकी पूरी जांच नहीं हुई है। बहरहाल आज उत्तराखंड ने अपने तीन होनहार जवानों को खो दिया है। वहीं हादसे में शहीद हुए जवानों को सूबे के मुखिया तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। हर खबर में होगी हमारी नजर, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।